भैया कट जा। वैसे दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था और उस कमेंट में लिखा हुआ था कि भाई बैम्बो कैनन बना के दिखाओ, और ऐसा हो नहीं सकता, तुम कुछ कहो और मैं ना करूं। वैसे मैं बता दूं, बैम्बो कैनन का मतलब होता है बांस की तोप, और तुम्हारा भाई आज की इस वीडियो के अंदर बांस की तोप बनाने वाला है। और यकीन मानना, बांस की तोप ऐसी बनेगी ना जाने कैसी बनेगी, तो वीडियो के एंड तक पूरा देखना और मैं फटाफट से अपने बांस को काट लेता हूँ। ये लो जी, हमारा बांस कट के एकदम तैयार है, और भाई मैंने इसको उसी साइज में काटा जिस साइज में मुझे अपनी तोप बनानी है। वैसे देख सकते हैं आप इतनी बड़ी हमारी तोप बनने वाली है, और वैसे जो आप बांस का टुकड़ा देख पा रहे होंगे, मैं इसकी थोड़ी साफ सफाई ही कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा सुंदर बना देता हूँ पहले, ठीक है। ये लीजिए भाई, साफ सफाई तो मैंने इसकी थोड़ी बहुत कर दी है, अब बारी इसमें एक छेद करने की। आपको पता है कि तोप के यहाँ पे एक छेद होता है जिसमें फ्यूज लगता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक छेद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ी सी टेपिंग भी कर दूंगा जिसकी मदद से जो हमारी कैनन है वो मजबूत बन जाएगी, ठीक है। और इसके ऊपर भाई मैं रस्सी और लपेट देता हूँ जिससे इसकी जो मजबूती है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और भाई रस्सी लपेटने के बाद जिसका लुक आया अपनी तोफ का, देख रहे हो, काफ़ी खतरनाक लग रही है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, इसमें एक स्टैंड और लगा देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो तोफ होती है वो अपना आप इस तरह से खड़ी होती है कुछ, तो यहाँ पर मैं ना इसमें स्टैंड और लगा देता हूँ। और भाई साहब फाइनली हमारी जो तोप है वो बनकर रेडी हो गई है। सबसे पहले आप इसका लुक देखिए, लग रही है एकदम खतरनाक सी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम 3-4 किले तो ढाई देगी। तो चलो भाई अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस तोप के अंदर मैं डाल देता हूँ एक बिजली बम का मसाला, ठीक है, जिससे भाई इसके अंदर इग्नाइट हो सके। एक और डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक बिजली बम भी डाल देता हूँ साबुत, इस तरह से उल्टा करके, ठीक है। ये लीजिए भाई, इसके अंदर एक पेपर और लगा देता हूँ मैं, जिससे जो प्रेशर बने वो काफ़ी तगड़ा बने। और अब डाल देता हूँ मैं इसके अंदर कंचे, दो कंचे डालने वाला हूँ, ठीक है, एक और दो। भाई मामला एकदम सेट है, बस इसमें एक फ्यूज़ और लगा देता हूँ जो मैंने अभी बिजली बम से निकाला, वही रख गया भाई फ्यूज़, एकदम मामला रेडी है। अब बारी है इसकी टेस्टिंग की। तो गाइस सेटअप एकदम तैयार है, यहाँ पर मैंने सामने एम लगा दिया, जो फायर होगा वो इस पे लगने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपना फायर, करा जाए 3, 2 and 1। भाई साहब क्या तगड़ा फायर करा हमारी कैनन ने यार, मतलब देख रहे हो मट्टी का बर्तन पूरा चूरम चूर हो गया। आपको कंचा दिखा, नहीं दिखा ना, स्लो मोशन में और देखो। अब भाई मैं आपसे ये नहीं पूछने का कि आपको तोप कैसी लगी, क्योंकि आप खुद मुझे कमेंट करके बताने वाले हो कि आपको तोप भाई बेकार लगी है, बढ़िया लगी है, फिर फाड़ू लगी है। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, और वैसे आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया नहीं किया तो यार जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यार सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।